हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं कृष्णा, आप लोग सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे असम में फिर से स्वागत करती हूँ। और अभी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो का रिसेंट अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो फिर आइए देखते हैं किस चीज़ का निकला है वैकेंसी। ये देखिए, ओपनिंग डेट मतलब 21/11/2022 मतलब कल ही निकला है, और क्लोजिंग डेट रहेगा आप लोग का 10/12/2022। ये देखिए आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस का है, नोटिफिकेशन फॉर आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये देखिए मिनी रत्ना ए कंपनी का है शेड्यूल। और ये देखिए, अभी हम लोग देख लेते हैं कौन से ट्रेड में हैं वैकेंसी। और ये है ऋषिकेश का, लोकेशन है ऋषिकेश। आइए देखते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम में है 30 पोस्ट, और स्टेनोग्राफर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट में है 30 पोस्ट। ये देखिए 30 पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में भी 30 है, और ड्राफ्टमैन सिविल में 15 पोस्ट है, और फिटर के लिए 5 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 15 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 5 है। टोटल यहाँ पर 100 पोस्ट मतलब सीट निकला है। और आइए देखिए अभी एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। ये देखिए 10 पास एंड आईटीआई पास चाहिए, रेगुलर कैंडिडेट होना पड़ेगा इन ईयर 2018, 2019, 2020 और 2021 और 2022 का आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, उससे पहले का और उससे पहले का नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है फॉर एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, फॉर ओबीसी के लिए 3 इयर्स, और नॉन क्रिमिनल के ओबीसी मतलब एनसीएल के लिए 3 इयर्स, और 10 इयर्स फॉर 40% ऑन मोर देन 40% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, वीएच एचएच और ओएच इन देयर कैटेगरी के लिए। और ये आप लोग का ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर। मतलब यहाँ पर आईटीआई अप्रेंटिस के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब यहाँ पर दिया है कंडीशन, एज लिमिट दिया है द मिनिमम एज लिमिट दिया है 18 इयर्स, और मैक्सिमम एज लिमिट दिया है 30 इयर्स। तो बहुत ज़्यादा एज लिमिट दिया है, तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट से पहले मतलब ये देखिए, रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स फॉर एसटी एससी, और 3 इयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए है, और 10 इयर्स और फॉर 40% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और स्टिपेंड आप लोगों का प्रीवियस अप्रेंटिसशिप एक्ट के मुताबिक मिलेगा, और ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर का। और आप लोगों को जो आईटीआई का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है, उसके जो परसेंटेज है उसके बेसिस में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों का वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। वेरिफिकेशन में आप लोगों का ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, एसएससी या फिर मेट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, या फिर आईटीआई मार्क्स कुछ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी पीएच का अगर आप है तो, या उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली या फिर प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया का, और आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो मतलब अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट ओ आर जी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं उसका प्रिंट आउट और रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाना पड़ेगा। और ये आप लोगों का है इसका टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ए जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपी, ए मिनी रत्न कंपनी, भागीरथी भवन। इसका ये फॉर्म है, देखिए नेम यहाँ पर आपको अपना लिखना पड़ेगा, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप का यहाँ नंबर डालना पड़ेगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ईयर, एज ऑन क्लोजिंग, और डेट सेक्स, फीमेल मेल जो भी है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और स्टेट ऑफ डोमिसिल आप कहाँ का है, और नेम ऑफ तहसील का लिखना पड़ेगा, और एड्रेस यहाँ पर आप अपना डालिएगा, और सिटी, टाउन, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, परमानेंट एड्रेस, और सिटी, टाउन, स्टेट, पिन कोड यहाँ से डालना पड़ेगा। और इसके बाद ये देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका जो भी है यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आईटीआई क्वालिफिकेशन, प्लीज मेंशन क्वालिफिकेशन व्हिच मेक एलिजिबल, यहाँ पर मतलब आईटीआई क्वालिफिकेशन या फिर जो भी है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। और अगर आपका सीजीपीए या फिर किसी में भी है सर्टिफिकेट तो यहाँ पर डाल लीजिएगा, और आप कौन सा यहाँ पर कास्ट है, एससी एसटी ओबीसी, ये सब यहाँ पर डालना पड़ेगा।
और अगर यहाँ पर आप लोग फिजिकल हैंडीकेप्ड है तो यहाँ पर डालना पड़ेगा, और फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा आप लोग को। और पहले आप लोग अप्रेंटिसिप किए हैं कि नहीं, यहाँ पर पूछा गया है। अगर पहले अप्रेंटिसिप किए हैं तो आप लोग को नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ फ्रेशर्स को ही करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पर सिग्नेचर अपना लगेगा, उसका नाम, प्लेस, डेट यहाँ पर डाल लीजिएगा। और आज का इन्फॉर्मेशन इतना ही था गाइस। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मैं आप लोग को दे दूँगी। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा तो मैं आप लोग को दे दूँगी। और आज का वीडियो यहाँ पर ही मैं समाप्त करती हूँ। फिर से मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन और एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय गाइस।